अग्निपथ एक स्कीम हुकूमत ने लॉन्च की है और आप इंडियन आर्मी से रिटायर भी हो चुके हैं, तो इस ताल्लुक से आप शहर के तलबा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ के एनडीएफ ग्रुप ने आज बहुत अच्छी सोच रखी है। मैं काफ़ी कोशिश किया हूँ और आज जहाँ जहाँ पहुँचा हूँ तो ये एनडीएफ ग्रुप की तरफ से मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है कि हमारे शहर के अंदर बहुत सारे नौजवान जो है बच्चे हैं दसवीं और बारहवीं पास करके ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोर्सेस की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। कोई भी मतलब हमारे शहर में आज तो ना कहीं अने आर्मी की क्लासेस चल रही है, ना पुलिस की क्लासेस चल रही है, नहीं हर हम बाहर निकल के देखो हर जगह एक एकेडमीज बनी हुई है। हर एकेडमीज में आर्मी पुलिस नेवी एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है। और ये आज एनडीएफ ने एनडीएफ ग्रुप ने मुझे बताया है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अग्निवीर स्कीम शुरू की है इसमें हमारे बच्चे यानी ऑल बच्चों ने जाना चाहिए, बच्चों ने इसमें जाना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इसमें अपना हुनर दिखाना चाहिए। अल्लाह चाहे ईश्वर चाहे मतलब बच्चों को दे सकता है आगे, उसमें गवर्नमेंट परमानेंट होने की भी चांसेस है। अपने काम के ऊपर डिपेंड किया हुआ है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप उसमें परमानेंट भी हो सकते हैं। तो हम एक सपना लेके चलेंगे कि हम परमानेंट के लिए जा रहे हैं, चार साल के लिए जा रहे हैं, ये छोड़ ही दें। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें सारे बच्चों को शहर के बच्चों को सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, करना चाहिए। वो ट्रेनिंग जिस जो दी जाती है आर्मी की इंडियन नेवी फोर्स की वो किस तरह की होती है, जैसे आमतौर बच्चों को पता नहीं होता है तो वो ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर ट्रेनिंग तो ज्वाइन होने के बाद दी जाती है, लेकिन थोड़ा अपने आपको प्रिपेयर करने के लिए पहले तैयारी होना चाहिए तो उसको लिया जाता है। यानी 1600 मीटर रनिंग है उसको 4.5-5 मिनट के अंदर कम्प्लीट करना है, बच्चे को दौड़ना है, पुशअप लगाना है, लॉन्ग जम्प है, हाई जम्प है, इस सब की तैयारी करते हुए आपको आगे बढ़ना है, फिर रिटर्न एग्जाम देना है, फिर मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है तो मेडिकल देना है, वो हिसाब से आपको पूरी तैयारी करके उसमें हिस्सा लेना है। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो तय दिन से मतलब बच्चों के पीछे लगा हूँ काफ़ी दिन से और मेरे साथ में अभी तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आज एनडीएफ ग्रुप मेरे पीछे यानी मैं एनडीएफ ग्रुप के पीछे खड़ा हूँ आज, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग इसमें मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मेरे तरफ से जितना मन सके मैं भी उतनी मेहनत करूँ। शहर में इस तरह की ट्रेनिंग अकेडमी है नहीं, आपको क्या लगता है शहर में अकेडमी होना चाहिए या किस तरह का मतलब सहूलियात होनी चाहिए कि बच्चे वहाँ से तैयारी करके एयरफोर्स और इंडियन नेवी वगैरह में जाए? सर बहुत सारी एकेडमी हमारे शहर में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में जो है कि हमारे बच्चे तकरीबन हमने जो देखे हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे लेके कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यानी हमारे पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे भी है तो पढ़ाते तो बच्चों को इतना ही चाहते हैं कि टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। बाकी हमारे शहर के अंदर आप सर्वे करके भी देख लेंगे तो अदर जॉब के लिए हमारे शहर के बच्चे हैं ही नहीं। यानी बैंकर्स में हमारे बच्चे नहीं है, फोर्स में हमारे बच्चे नहीं है। आज जिस तरह से है देखा जाए मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने फोर्स में जाना चाहिए, मेरा ये मकसद है। मुझे अच्छा लगता है कि फोर्स की जैसी कोई सिस्टम नहीं है, फोर्स एक बहुत अच्छा सिस्टम है जहाँ सबको जाना चाहिए, ये बहुत बेहतर है। सर हमारे यहाँ पावर लूम का सिस्टम है, अगर पावर लूम एक बंदा 20 साल भी काम करेगा तो वो 24 लाख रुपए नहीं कमा सकता। आज गवर्नमेंट 4 साल जॉब कराने के बाद में बंदे के हाथ में 24 लाख दे रही है, अगर 12 लाख उसका खर्च भी कर देता है पेमेंट वाला तो 12 लाख वो इकट्ठा लेके आके अपना खुद का भी पावर रूम डाल सकता है 12 लाख के ऊपर। सर बहुत बड़ी रकम होती है। जैसे कुछ बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे 4 साल बाद रिटायर होते हैं तो वो जो ट्रेनिंग ले जाएंगे उसका फायदा वो अपने आइंदा जिंदगी में कैसे उठा पाएंगे? सर जिस तरह से मैं आज आर्मी की 17 साल की सर्विस रिटायर करके हुआ हूँ, आज मुझे हर तरह का एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों को बता सकता हूँ, वो भी आगे के लिए सबको तैयार करके बता सकते हैं। और इतना आर्मी का एक्सपीरियंस जो बच्चा एक बार आर्मी से होकर आया है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको हर तरह का एक्सपीरियंस आता है। आर्मी ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे उसको हर चीज़ देखने को मिलती है, हर चीज़ झेलने को मिलती है और एक्सपीरियंस फिर जिंदगी जीने के लिए बहुत आसान हो जाता है। आज कम से कम नौजवान लड़के जो कम उम्र बच्चे हैं वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं या रात में जागते हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की कुछ चीज ही नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर सर अपने शहर के हिसाब से जो डिसिप्लिन का रास्ता है ये 4 साल वाला अग्निवीर का अगर अपना लेंगे तो उनके अंदर डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन आ गया। क्योंकि जो है कि मतलब मान के चलो सर एक हम इस्लाम के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हमारे नबी ने फजर की नमाज सुबह क्यों लगाई? क्योंकि बंदा उठे सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के आगे अपने आप को फिट रख सके, 9 बजे 10 बजे भी फजर की नमाज लगाई जा सकती है।
लेकिन उन्होंने हमारे बारे में अच्छा सोचा, इसीलिए 6 बजे 5:30 बजे सूरज के हिसाब से लगाई ना सर। तो हमारा मकसद ये कि सुबह उठ के अपने आप को फिट रखना, नमाज पढ़ने के बाद में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर हम वॉकिंग करने के लिए चले जाए, अपने आप को फिट रखे। यानी डिसिप्लिन जो है सर आज के दौर में हमारे नौजवान जो है रात में रात भर 12-1-2 बजे तक, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स है अगर अपन हम सुबह में उनका व्हाट्सअप देखे तो लास्ट सीन जो है देखने को मिलता है कोई 1 बजे तक जगा हुआ है, कोई 2 बजे तक ऑनलाइन है। तो ये चीज बहुत गलत है सर हमारे शहर के हिसाब से। एक आखिरी सवाल है कि जो तलबा आर्मी में आना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, मालेगांव के अग्निवीर बनना चाहते हैं, वो इसकी रहनुमाई के लिए आपसे रब्ता कायम करना चाहेंगे तो आप किस तरह की मदद करेंगे? सर जिस तरह से की मेरे से मदद होती है मैं 100% करूंगा। और सबसे अच्छी बात की आज एनडीएफ ग्रुप के जितने भी सदस्य है, जितने भी लोग है, उनसे रब्ता कायम करें, मेरे से रब्ता कायम करें, आप लोगों से रब्ता कायम करें।